अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी। हॉल्टर नेक की कटिंग के लिए सबसे पहले आपको फ्रॉक हो या कमीज उसकी लेंथ चेक करना होगी। व्यूअर्स, इस फ्रॉक की लेंथ हमने 40 इंच रखनी है और 5 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें, 45 इंच पर हमने इसे कट किया है। व्यूअर्स, ये फ्रंट पार्ट को हमने फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के लिए हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान 3.25 से ना कम हो ना ज़्यादा। इस निशान को फॉलो करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। व्यूअर्स, अब इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखनी है और यहाँ से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे सीधा करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। ये मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ, इस बॉक्स की लेंथ 3.25 इंच है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। अब हम तीरे का साइज करेंगे। तीरा हमने 15 इंच तैयार करना है। इसका हाफ 7.5 इंच बनता है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच का गैप रखते हुए हम डाउन कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रा करेंगे। व्यूअर्स, इसके बाद हमारे सभी निशान ऐसे लगेंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती के हम लगाते हैं। अब इस डाउन कटिंग वाले निशान के ऊपर रखते हुए हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह हम लाइन ड्रा कर लेंगे। इंची टेप को इस कोने में रखते हुए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह हम राउंड शेप देंगे। चेस्ट का साइज हमने 19 इंच तैयार करना है। इसका हाफ 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिटिंग की गोलाई देने के लिए हम यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिटिंग हमने 17 इंच तैयार करनी है। इसका हाफ 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हिप्स के लिए यहाँ से हम इस तरह 13.5 इंच पर साइज करेंगे। हिप्स हमने 23 इंच तैयार करनी है। 11.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इन निशानों को आपस में मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही स्केल को तिरछा करते हुए हम नीचे की तरफ भी निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, ये निशान सिलाई के हैं। अब कटिंग के लिए हम एक और निशान लगाएंगे। ये 2 इंच गैप रखते हुए हम ये निशान लगाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ से हम 2.5 इंच की दूरी से निशान लगाते हुए राउंड शेप देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को हटाते हुए बैक को बिछाएंगे। ये बैक को फोल्ड करते हुए हमने बिछा लिया है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। व्यूअर्स, इस बॉक्स को हम ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए हम बैक की कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से भी हम राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे।
यहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम यहाँ से राउंड शेप देंगे। चेस्ट के साइज के लिए हम यहाँ पर कट लगाएंगे। व्यूअर्स अब इसके बाद हमने बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करनी है। व्यूअर्स गले की कटिंग के लिए बुकरम को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। हॉल्टर नेक की कटिंग के लिए यहाँ चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, इसकी लेंथ हम 3.25 इंच रखेंगे। जैसा कि ये बॉक्स बनाते हुए इसकी लेंथ हमने 3.25 इंच रखी थी। यहाँ से गले की डीप लेंथ हम 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। यहाँ से भी 1 इंच पर निशान लगाते हुए हम यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस निशान को फॉलो करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। व्यूअर्स अगर आप चाहें तो ये शेप देते हुए गला तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ राउंड शेप दूंगी। अब कटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा। अब यहाँ से हल्की गुलाई देंगे। ये देखें, ये कटिंग के बाद कुछ इस तरह से शेप आएगी। अब ऊपर की तरफ 1.25 इंच का गैप देते हुए हम निशान लगाएंगे और यहां से हम 1.5 इंच का गैप देंगे। यहां से हम इस तरह निशान लगाएंगे। ऐसे ही आगे की तरफ हम हल्का कम करते जाएंगे। अब हम इन दोनों पार्ट्स को बराबर मिलाते हुए कटिंग करेंगे। ये देखें, अब हम इसे प्लेन फैब्रिक पर प्रेस करेंगे। बस ये गला चिपकाने के लिए इस अंदर वाले पार्ट को हम इस तरह रखेंगे और प्रेस करते हुए चिपका लेंगे। यहां से सेंटर को देखते हुए हम ये प्रेस करेंगे। अब इस अंदर वाले पार्ट को हम इस तरह उतार लेंगे। यहाँ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। यहाँ दोनों तरफ हम कट लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम आयरन की मदद से सेंटर पॉइंट बना लेंगे। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, हमने आयरन की मदद से सेंटर पॉइंट बनाया है। यहाँ से हम कटिंग करते हुए इसे बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे।
व्यूअर्स, यहाँ भी हम सेंटर में कट लगाएंगे और इस गले के ऊपर भी हम कट लगा लेंगे। इन दोनों कट्स को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हल्का सा मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। ये जहाँ से राउंड शेप है हम हल्की हल्की कटिंग करेंगे। अब हम इसे पलटते हुए प्रेस कर लेंगे। ये हमने गले को प्रेस कर लिए है। व्यूअर्स, यहाँ एक पाँव के गैप से कपड़ा होना चाहिए। यहाँ हम निशान लगाएंगे, इसी निशान को फॉलो करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसकी दूसरी साइड से भी हम उसी तरह निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से शेप आएगी। व्यूअर्स, अब हमने फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ना है। बैक का सेंटर पॉइंट हमने बना लिया है और फ्रंट का सेंटर पॉइंट ये सिलाई है। इस सिलाई और इस कट को आपस में मिलाते हुए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे, इन निशानों को फॉलो करते हुए। ये देखें फ्रेंड्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब यहाँ कॉर्नर में हम कट लगा लेंगे। अब ऐसे ही इसके सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ भी हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड से भी हम इस तरह कॉर्नर में कट लगा लेंगे। अब यहाँ बैक पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, इस कट को अंदर करते हुए इसे हमने बाहर रखना है। यहाँ से पक्का करते हुए सिलाई को ख़त्म करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर किसी किस्म की कोई चुनट नहीं है, बहुत ही नीटनेस के साथ हमने इसे अटैच किया है। अब यहाँ से हम हैंड स्टिच करेंगे। ये हमने धागे को गिरह लगा ली है। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने हैंड स्टिच करते हुए हॉल्टर नेक को रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक करें, इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।